ग्वालियर में 534 करोड़ की लागत से नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल पर मंगलवार से फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया। न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल पर सबसे पहले दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट उतरी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया इस फ्लाइट से ग्वालियर आए। सिंधिया ने कहा कि एयरपोर्ट ग्वालियर के विकास को नए आयाम देगा। वही आज पहली बार इस एयरपोर्ट पर उतरे यात्रियों ने भी इसकी तारीफ की। आज बहुत बड़ी सौगात है ग्वालियर के लिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 मार्च को जिस एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था, आज पहली फ्लाइट उस टर्मिनल में आ चुकी है और आज से सभी फ्लाइट इसी टर्मिनल में आएगी। ये टर्मिनल केवल हवाई अड्डे का टर्मिनल नहीं है, लेकिन ग्वालियर के प्रगति और विकास के द्वार प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। हवाई अड्डा अपने आप में शहर का प्रवेश द्वार है, शहर का निवेश द्वार है, शहर की सांस्कृतिक एवं इतिहास की दृष्टिकोण की द्वार है। और आज इस ग्वालियर टर्मिनल से जो जो यात्री भी आएंगे, ग्वालियर के इतिहास संस्कृति का पूर्ण अनुभव लेकर जब यहाँ से जाएंगे तो ग्वालियर की इतिहास को एक सूर्य की किरण के रूप में पूरे देश में फैलाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उनके कर्म के कब उनके हाथों से ये हवाई अड्डे का उद्घाटन मेरे पूज्य पिताजी की जयंती 10 मार्च को की गई। मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूँ। मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और ज़िंदगी भर सेवक रहूँगा, और मुझे लगता है इसका अनुभव आप सब लोगों से ज़्यादा किसी और के पास नहीं। पूरी मेरी जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी साथ रहे।